यार ये तो हवा बहुत ज्यादा चल। ये चेक करो भाई, कांड हो गया था इधर भाई जान। आपने तो कांड कर दिया यार, आग लग गई थी यार, ये तो पूरा डेंट ही जल गया। मैं अपने साथ कैमरामैन भी लाया हूँ, इन्होंने मुझे बहुत बार कहा था मुझे साथ ले चलो। मुझे बहुत क्रेज था ऐसी लोकेशंस पे आने का, जब जब भी मैंने इनकी वीडियोस देखी और मतलब मैं बहुत इंस्पायर हुआ उन जगहों से और उस वीडियो से कि यार ये कितनी मतलब इनको मुसीबतें उठानी पड़ती हैं ऐसी लोकेशंस पे आके। तो मैं देखना चाहता था खुद अपनी आईज से, यहाँ आके इस चीज़ को मैं देखना चाहता था कि यार कितनी मेहनत लगती है। तो आज मैं इन भाई लोग के साथ आया हूँ यहाँ पर। तो भाई आप मुझे बताएंगे कि अभी ये जो आप लगा रहे हैं यहाँ पे, इसके लगाने के पीछे क्या मकसद है आपका? इसका मकसद यही कि यहाँ पे मैं लाइट लगाऊंगा, लाइट रहेगी, मैं खाना भी बनाऊंगा, लाइट रहेगी और कोई जानवर भी नहीं आएगा पास। तो आपको डर नहीं लगता है जब आप ऐसी लोकेशन पे अकेले आते हो, सोलो कैंपिंग करते हो? डरना नहीं चाहिए, आज फिर भी हम दो हैं। मैं ऐसी ऐसी जगह गया हूँ, क्या बताऊँ यार, यहाँ जहाँ पे इतना घना जंगल था, यहाँ पे तो फिर भी थोड़ा सा सामने है ना, आज साइड से जंगल है, लेकिन मैं बहुत घने जंगल में रहा हूँ, बर्फ में मैं रहा हूँ, जंगल में मैं रहा हूँ, मैं बहुत जगह गया हूँ। और ये आग आपने जो जलाई, मतलब ये किस चीज़ के लिए आपने अभी जला के रख लिया? ये तो सर्दी बहुत है, खाना भी बनाऊंगा इसी पे।
चले। नहीं भाई ये तो टेंट ही जल रहा है। ये खाना मुझे देखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये बनेगा भी अच्छा देख लेना। राहिल हाँ जी, ये छोटा है इसमें डालूंगा मैं। हाँ इसमें चेंज कर लो, ठीक है ये इसमें बेटर हो जाएगा क्योंकि इसमें इसमें मिक्स नहीं हो रहा है ना, मिक्स नहीं हो रहा है इसमें। लेकिन दिख इतना मुझे दिखने में इतना टेस्टी लग रहा है ये, मैं क्या बताऊँ। बस मैं वेट कर रहा हूँ यार कब ये कंप्लीट हो, मैं एक बार इसको टेस्ट कर लूँ। बस थोड़ा फर्क रहेगा इसको, इसका ढक्कन भी आ जाएगा ना सही तरह से। ये अच्छा हो गया। सलाद भी तैयार है। ये देखो भाई कैसा खाना, ये भाई जब सोलो कैंपिंग करने आते हैं पानी भी ऐसा ही खाना खाते हैं। पानी राहत पानी बाहर है यार, वो लाना पड़ेगा। और ये इनका पूरा का चल। तो भाई मैं आज इन भैया के साथ जो है पहली बार कैंपिंग पे आया हूँ। वैसे तो ये सोलो कैंपिंग करते थे, तो आज मैंने पूरा दिन इनके साथ एक्सपीरियंस किया। अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों से मतलब वो शेयर करना चाहता हूँ कि यार मुझे इतना मज़ा आया आज, मतलब मैंने फुल टू आज इन्जॉय किया अपनी लाइफ। तो फिलहाल इन्होंने खाना तैयार किया, अब मैं पहले इनके साथ खाना इन्जॉय करूँगा, खाना बताऊँगा आपको कैसा बनाते हैं ये लोग, और उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे आपसे। अच्छा बना है, लाजवाब है, आप मज़ा आ गया। टेस्टी है। मैं तो ये कहूँगा यार आप जब भी कैंपिंग करने आओगे मुझे अपने साथ ज़रूर लेके आना। कोई बात नहीं आया करो, बहुत सारे बंदे बोलते हैं। वैसे नेक्स्ट कैंप का कब का सोचा आपने? देखते हैं नेक्स्ट संडे को। मैंने आपकी वीडियो देखी थी एक स्नो वाली, मुझे बड़ा मज़ा आया उसको देखने। मैंने दो चार वीडियो बनाई है स्नो में। मैं चाहता हूँ कि यार इस बार जब भी आप जाओगे ना मुझे ज़रूर लिख के जाना।
फोन ही लगा। मजा आ गया सीरियसली, आई लव इट। राइट भाई राजा, यार आग जलाए ये ठंड कहाँ से लगेगी। हाँ शूज लगा दे। हाँ हाँ थोड़ी देर यार, आग जलाई मैंने। आ जा भाई राजा, फिर सो जाते हैं अंदर। आ जा मौसम थोड़ा खराब हो रहा है। हवा से टेंट को होगा तो नहीं कुछ? नहीं नहीं इससे नहीं होता कुछ यार, वो मैंने बांधा अच्छी तरह से, तरपाल भी डाली है ऊपर। ये देखो भाई, भाई ने क्या जबरदस्त बिस्तर यहाँ बिछाया है रात के लिए। ये देख ले भाई, तो इस स्लीपिंग बैग में सो जा, तो मैं इसके नीचे सो जाता है। ठीक है भाई, कर दो इसको बंद। एक काम करते हैं, जिप बंद करते हैं। सही, आग रात को जला के रखोगे? चल आ जाए, हो गया। ठीक है फिर भाई लोग, हमने बिस्तर बिस्तर जो है वो अपना सेट कर लिया और अब हम यहाँ पे रात को सोने वाले हैं। तो इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे सुबह मॉर्निंग में, देखते हैं भाई कैसा क्या हमें खिलाने वाले हैं और कैसे कैसे जो है मॉर्निंग के शॉट्स जो हैं वो भाई हमें दिखाएंगे। तो इस वीडियो को फिलहाल अभी एंड करेंगे। सुबह क्या पिलाओगे? सुबह चाय बनाएंगे। चलो ठीक है, सुबह चाय बनाएंगे। अभी फिर इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। यार ये तो हवा बहुत ज्यादा चल रही है। ओह ओहो यार, एक तो इस जगह पे बड़ी परेशानी हो गई है। ओहो हवा से बड़ा पंगा हो गया। इसको बंद कर दो, बंद कर दो इसको। थैंक गॉड भाई, मैं तो डर गया यार, इतनी हवा चल रही है। मुझे लगा ये टेंट ना कहीं उड़ जाए यार, लगता है रात को बारिश ना हो। बारिश ना हो रात को यार, बारिश का तो फिर भी टेंशन नहीं थी, मुझे हवा से ज्यादा डर लग रहा था यहाँ पे, लेकिन अब थोड़ा नॉर्मल हो गया यार। ओहो, मॉर्निंग का टाइम जो है वो हो चुका है और भैया जो है वो अभी तक सोए हैं, तो मैं चाहता हूँ आज मॉर्निंग का व्यू मैं खुद इंजॉय करूँ, तो आपको भी दिखाते हैं कि कहाँ आज रात को हमने जो है वो कैंपिंग की हुई थी। ये देखिए आप, ये थी वो जगह।
कैसी रही आज की नाइट आपकी? नाइट तो बड़ी मुश्किल रही यार, रात को बहुत हवा चली, ठंड बहुत लगी यार, टेम्परेचर माइनस में था। मैं खुद नहीं सो पाया आज रात को बिल्कुल भी। ये आग जला के अभी आपने बहुत अच्छा किया। अभी चाय बनाएंगे ना, तो चाय बनाएंगे थोड़ा, अब मैं आपको गर्म करेंगे या ठंड लगी। पहले मुझे लगा था डर लगेगा, लेकिन डर तो नहीं लगा रात को, लेकिन ठंड बहुत थी। डर नहीं लगता है, मौसम अगर खराब हो जाए तो तब मुश्किल होती है, ऐसे डरने की क्या बात है, डरते बच्चे हैं। कैसा लगा आपको मेरे साथ कैंपिंग करके? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा भी आया। थैंक यू सो मच आपका कि आप मुझे अपने साथ लेके आए इतनी प्यारी जगह पे, और मैंने बहुत कुछ सीखा आज कि जब कैंपिंग पे जाना चाहिए तो कैसी कैसी चीज़ें इंसान के साथ होनी चाहिए। तो मैं आपकी ऑडियंस से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुझे तो बहुत मज़ा आया इनके साथ। आपको भी ये वीडियो देख के कैसा लगेगा, आप इनका चैनल नेचर रिज़र्व जो है वो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर आप लोग शेयर करेंगे, और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको भी ये वीडियो देख के जो है वो कैसा लगा। होगा ब्रो।